नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर 9 और मैं हूं आपके साथ प्रीति शर्मा। रविवार को प्रदेश सहित जिला मुख्यालय पर स्थित मंगल भवन में मध्य प्रदेश अनुसूचित जाति जनजाति अधिकारी कर्मचारी संघ अजाक के द्वारा मुख्यमंत्री द्वारा वर्ग के हित में कई घोषणाओं को संस्मरण कराने के हुकार भरते हुए धरना दिया गया, जिसमे नायब तहसीलदार श्री भार्गव को CM के नाम ज्ञापन सौंपा गया। बाद में संगठन के पदाधिकारी एवं समाज सेवियों सहित जिला अध्यक्ष जगदीश वर्मा ने उक्त कार्यक्रम के बारे में रूपरेखा रखी और आउटसोर्सिंग का विरोध करते हुए समाज की एकजुटता पर बल देते हुए घोषणाओं की पूर्ति ना होने पर सड़क पर उतरने की चेतावनी दी। राजगढ़ ब्यूरो रोहित राजपूत के साथ राजेंद्र सिंह राजपूत की रिपोर्ट। दिनांक 17 जुलाई सोमवार को श्रावण मास के द्वितीय सोमवार के दिन माचलपुर नगर के सभी मंदिरों में श्रद्धालुओं का मेला उमड़ता नजर आया। श्री चाटाकुंडी बालाजी मंदिर में विशेष श्रृंगार किया गया। सभी मंदिरों में प्रसाद वितरण भी किया गया। सभी मंदिरों में दर्शन के लिए भक्तों का तांता लगा रहा। जीरापुर माचलपुर से घनश्याम गुज्जर की रिपोर्ट। भव्य विरासत कावड़ यात्रा निकाली गई। इस कावड़ यात्रा में हजारों भक्त शामिल हुए। साथ ही कावड़ यात्रा में घोड़े, DJ, बैंड, झांकी आदि से कावड़ यात्रा निकाली गई। इस कावड़ यात्रा का उज्जैनी राधरा जामिया सनवादिया देव गुराड़िया की ओर पूरे रास्ते में स्वागत किया गया और फलाहार कावड़ियों को बांटे गए। इंदौर से नवीन ठाकुर की रिपोर्ट। नगर में गायत्री मंदिर से कलश यात्रा का शुभारंभ हुआ, जिसमें सैकड़ों धर्म प्रेमी देखे गए। कलश यात्रा का समापन भोपाल रोड शगुन गार्डन में भव्य संगीत में श्रीमद भागवत कथा स्थल पर किया गया। श्रीमद भागवत कथा का विशाल आयोजन 16 जुलाई से 22 जुलाई 2017 7 दिन तक चलेगा। आचार्य ने बताया, भगवत संगीत में श्री भागवत कथा का समापन एवं प्रसादी वितरण 20 जुलाई 2017 को होगा। बताने के प्रयास करना चाहता हूँ कि श्रीमद भागवत कथा, जिससे ज्ञान की प्राप्ति होती है, अंधकार का निवारण होता है और जन कल्याण के लिए, मोक्ष की प्राप्ति के लिए श्रीमद् भागवत का आयोजन होता है। हम नगर के वासियों के लिए, समस्त विश्व के कल्याण के लिए, सर्वजन हिताय च सर्वजन सुखाय की भावना से श्रीमद् भागवत का आयोजन रखा है। शगुन मैरिज गार्डन में कथा आयोजित की जा रही है, तो कितने गांव से लोगों के आने की उम्मीद है? कम से कम 25 गांव का। नसरुल्लागंज से सलीम खान की रिपोर्ट। आज की खबरों में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ खबर 9 में।